जीवन मंत्र योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों, जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं। इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आप पाइए घर बैठे, वो भी फ्री में। दोस्तों, आज हम गिलोय की बात करेंगे। गिलोय एक ऐसी बेल है या ऐसी दवाई है जो मधुमेह को खत्म कर सकती है, जोड़ों के दर्द को मिटा सकती है, शरीर की जलन को खत्म कर सकती है, खून की कमी को पूरा कर सकती है और शरीर को बना देगी ताकतवर और फौलादी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मधुमेह में ये कैसे फायदा करेगी। 40 ग्राम हरी गिलोय का रस, 6 ग्राम पाषाण भेद और 6 ग्राम शहद को मिलाकर 1 महीने तक पीने से मधुमेह रोग एकदम ठीक हो जाता है। या 20 से 25 मिलीलीटर गिलोय का रस सुबह शाम बराबर मात्रा में पानी के साथ मधुमेह रोगी को सेवन कराएं, या रोग जब जब प्यास लगे तब तब इसका सेवन कराएं, या 15 ग्राम गिलोय का बारीक चूर्ण और 5 ग्राम घी को मिलाकर दिन में 3 बार रोगी को सेवन कराएं, इससे मधुमेह यानी शुगर का रोग खत्म हो जाएगा। ये 3 नुस्खे हैं, इनमें से कोई एक नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द में देखिए कैसे इस्तेमाल करना है। गिलोय और सौंठ को एक मात्रा में ही मिलाकर उसका काढ़ा बनाकर पीने से पुराना गठिया रोग ठीक हो जाता है। या गिलोय, हरड़ की छाल, भिलावा, देवदारू, सौंठ और साठी की जड़, इन सबको 10-10 ग्राम की मात्रा में मिलाकर पीस कर चूर्ण बना लें तथा छोटी बोतल में भर लें। अब इसका आधा चम्मच चूर्ण आधा कप पानी के साथ पकाकर ठंडा होने पर पी जाएं, इससे रोगी के घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है। या घुटने के दर्द दूर करने के लिए गिलोय का रस तथा त्रिफला का रस आधा कप पानी के साथ मिलाकर सुबह शाम भोजन के बाद पीने से बहुत लाभ मिलता है। 3 नुस्खे हैं, एक नुस्खा इस्तेमाल कीजिए कोई भी, आपको बहुत लाभ मिलेगा। शरीर में अगर जलन है तो शरीर की जलन को दूर करने के लिए आप 7 से 10 मिलीलीटर गिलोय के रस को गुग्गुल या कड़वी नीम या हरिद्र, खादर और आंवला के साथ मिलाकर काढ़ा बना लें। प्रतिदिन 2 से 3 बार इस काढ़े का सेवन करने से शरीर में होने वाली जलन दूर हो जाती है। अगर खून की कमी है तो 360 मिलीलीटर गिलोय के रस में घी मिलाकर प्रतिदिन सुबह शाम सेवन करने से शरीर में खून की वृद्धि होती है। या गिलोय 24 से 36 मिलीग्राम सुबह शाम शहद एवं गुड़ के साथ सेवन करने से शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है। 2 नुस्खे हैं खून की कमी के, एक नुस्खा कोई भी इस्तेमाल कीजिए और स्वस्थ रहिए। अगर शरीर को ताकतवर और शक्तिशाली बनाना है तो क्या करना है। लगभग 4 साल पुरानी गिलोय जो कि नीम या आम के पेड़ पर अच्छी तरह से पक गई हो, इस गिलोय के 4-4 टुकड़े उंगली के जितने कर लें। अब इनको जल में साफ करके कूट लें और फिर इसे स्टील के बर्तन में लगभग 6 घंटे तक भिगोकर रख दें। इसके बाद इसे हाथ से खूब मसलकर मिक्सी में डालकर पीसें। इसे छानकर इसका रस अलग कर लें और धीरे से दूसरे बर्तन में निथार लें। ऐसा करने से बर्तन के नीचे बारीक चूर्ण जम जाएगा और फिर दूसरा जल डालकर छोड़ दें। इसके बाद इस जल को ऊपर से निथार लें। ऐसा 2 या 3 बार करने से एक चमकदार सफ़ेद रंग का बारीक पिसा हुआ चूर्ण मिलेगा। इसको सुखाकर कांच के बर्तन में भर लें। इसके बाद 10 ग्राम की मात्रा में गाय के ताजे दूध के साथ इसमें चीनी डालकर लगभग 1 या 2 ग्राम की मात्रा में गिलोय का रस डाल लें। हल्का बुखार होने पर घी और चीनी के साथ शहद और पीपल के साथ गुड़ और काले जीरे के साथ सेवन करने से शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती हैं और शरीर में ताकत आती है। अब आप कहेंगे साहब ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन दोस्तों अगर शरीर में जान लानी है, शरीर में ताकत लानी है, शरीर को शक्तिशाली बनाना है तो कुछ भी कठिन नुस्खा नहीं होता। जीवन मंत्रा में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।